नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मेनका गांधी ने हाल ही में चुनाव में प्रचार करते हुए मुस्लिम्स को कहा, आप अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपके काम नहीं करूंगी इलेक्शन जीतने के बाद। सोच के देखिए, अगर मेनका गांधी इलेक्शन जीत जाती हैं और वो बूथ में देखती हैं कि इस बूथ पे मुझे वोट प्राप्त नहीं हुए, तो क्या वो सही में उस बूथ के लोगों के काम नहीं करेंगी, यानी मुस्लिम्स के काम नहीं करेंगी? ये देखो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, फॉर एग्जांपल एबीसी कंस्टिट्यूएंसी है और काफी सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं एक्स वाई जेड, ये नहीं मैटर करता कि किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा वोट जिस भी कैंडिडेट को प्राप्त होते हैं वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। फॉर एग्जांपल एक्स को हुए 31%, वाई को हुए 30% और सी को हुए 29%। बाकी और भी काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको भी कुछ कुछ परसेंटेज प्राप्त हुए। तो यहां पर इलेक्शन जीत जाएगा कौन सा कैंडिडेट? एक्स। एक्स कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए? सिर्फ 31%। लेकिन सोच के देखिए कि एक्स कैंडिडेट के खिलाफ कितने वोट गए? खिलाफ गए एक्स कैंडिडेट के वोट 69%। जिस कैंडिडेट के खिलाफ 69% वोट हो उस कंस्टिट्यूएंसी के, फिर भी उस कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का। तो अपने आप में आपको क्या ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि कंस्टिट्यूएंसी के 69% जो लोग हैं उस कैंडिडेट के खिलाफ हैं, फिर भी वही कैंडिडेट पूरी कंस्टिट्यूएंसी की आवाज को उठाने के लिए चुना गया है पार्लियामेंट में। इससे भी ज्यादा, ये तो देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन है। अब आप सेकंड स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन की बात कीजिए। देखो, हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में। अब सोच के देखो, मान लीजिए पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट जीता है उसको 40% वोट मिले फिर भी वो जीत गया, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट को 35% वोट मिले फिर भी जीत गया, थर्ड कंस्टिट्यूएंसी में विनर कैंडिडेट को मिले 32% वोट। इस प्रकार से आप ऐड करते जाओ, ऐड करने के बाद आपको जो आंकड़ा मिलेगा, यानी जीते हुए जो 543 कैंडिडेट्स हैं उनको कितने वोट मिले? 45%। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ? कहने का मतलब यहां पर यह हुआ, लोकसभा में जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो इवन 50% हमारे देश के लोगों की राय को भी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में 543 जो कैंडिडेट पहुंचते हैं, जो सांसद बनते हैं, उनके तो देखो ऑलमोस्ट 55 या फिर 60% के आसपास लोग खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत की आवाज को उठाने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं। और इससे भी ज्यादा, थर्ड स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन की बात कीजिए। देखो, बनते तो सांसद कितने हैं? 543, लेकिन सरकार में कितने शामिल होते हैं? बहुत कम। और बहुत सारे सांसद तो विपक्ष में होते हैं। तो जो सांसद विपक्ष में होते हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों की तो कोई भागीदारी नहीं है सत्ता में, पावर में। तो ये थर्ड स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन है। कहने का मतलब देखो ये है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सहायता से पिछले 70 सालों में हमारे देश में इलेक्शन होते आए हैं, लेकिन इस तरीके की बहुत सारी कमियां हैं। तो अब समय आ गया है कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम भी अपनाना चाहिए इलेक्शन के लिए। देखो होता क्या है, पिछले इलेक्शन में मायावती की पार्टी बीएसपी को कितना वोट हासिल हुए? 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया बीएसपी को, लेकिन सीट कितनी हासिल हुई बीएसपी को? 0। डीएमके पार्टी को तमिलनाडु में 96 लाख लोगों ने, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया, लेकिन सीट कितनी हासिल हुई डीएमके को? 0। तो क्या इतने सारे लोगों का वोट जो है वो वेस्ट हो गया? देखो, बोलने के लिए तो बोला जाता है, वो आपको भी पता है, जो सरकार एक बार बन जाती है वो सरकार पूरे देश की होती है, सिर्फ कुछ एरियाज की सरकार नहीं होती।
इवन जो एमपी बन जाते हैं वो एमपी उस कंस्टिट्यूएंसी के सभी लोगों के होते हैं, और सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जिन्होंने वोट दिया है उस पर्सन को और वो पर्सन एमपी बना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार सरकार बन जाती है वो पूरे देश की होती है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता ना। तभी तो मेनका गांधी धमकी दे रही हैं कि अगर आपने मुझे वोट दिया तभी मैं आपके काम करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। उनको बोलना तो ये चाहिए था कि आप मुझे वोट दें या फिर ना दें, मैं एमपी बन गई तो मैं इस कंस्टिट्यूएंसी के सभी लोगों की एमपी होंगी, अदरवाइज नहीं। और काफ़ी बार आपने देखा भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देती है जहाँ पे उनके एमपीज ज़्यादा होते हैं, या फिर जहाँ पे उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो उनके साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन वो स्टेट्स जहाँ पे रूलिंग पार्टी के एमपी नहीं होते, यहाँ पे या फिर रूलिंग पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होती, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए पूरे देश में वोटर हैं 10,000, विभिन्न पार्टीज हैं, ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, तीनों ने इलेक्शन लड़ा। अब ए पार्टी को वोट हासिल हुए 30% और बी पार्टी को वोट हासिल हुए 30%, सी पार्टी को वोट हासिल हुए 40%। टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट में कितनी, 100। तो देखो, वोट परसेंटेज जितना हासिल हुआ है तीन पार्टीज को, उसके बेस पर ही सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी तीनों पार्टीज को। ए पार्टी को कितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ, 30%, तो 100 में से 30 सीट दे दी जाएंगी। बी पार्टी को कितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ, 30%, तो 100 सीट में से 30 सीट दे दी जाएंगी बी पार्टी को। सी पार्टी को कितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ, 40%, 40 सीट 100 में से दे दी जाएंगी किसको, सी पार्टी को। अब जिस पार्टी को जितनी सीट्स मिली हैं वोटिंग परसेंटेज के आधार पर, या तो वो इलेक्शन से पहले नॉमिनेट कर सकती है कि अगर हमको सीट्स हासिल होंगी तो हम इन पर्सन को एमपी बनाएंगे, या फिर ये फैसला इलेक्शन के बाद भी लिया जा सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है, मतलब पार्टी डिसाइड करेगी कि वो किस पर्सन को एमपी बनाना चाहते हैं, और जितने सीट्स उनको हासिल हुई है वोटिंग परसेंटेज के आधार पर, उतने पर्सन को वो अपने हिसाब से एमपी बना सकेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से। फायदा इसका देखो सीधा सीधा ये होगा, किसी पर्सन का वोट जो है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर ही ये डिसाइड हो रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स हासिल होंगी पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, तो किसी का वोट वेस्ट नहीं हुआ। अब देखो, इस प्रकार का सिस्टम हमें अडोप्ट करने की आवश्यकता है। छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बाद में बड़े स्केल पर इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और कई सारे देशों में तो देखो मिक्स्ड सिस्टम है, मतलब कुछ सीट्स का फैसला होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सहायता से, और कुछ सीट्स का फैसला होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। नेपाल में नया संविधान बना है, नेपाल में मिक्स्ड सिस्टम है, मतलब कुछ सीट्स का फैसला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और कुछ सीट्स का फैसला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। इंडिया में भी देखो इस प्रकार का मिक्स्ड सिस्टम लागू किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।